हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले वर्क असिस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। वर्क असिस्टेंट में मुझे कमेंट आए हुए हैं तो मुझे ये बताया गया है कि सर जो सेलेक्ट किए जा रहे हैं कैंडिडेट उनको मेल मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसका प्रूफ आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ पर उसका रीज़न ये था कि बच्चे ने जो कमेंट किया, कमेंट करने के बाद उसने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो डिलीट कर दिया, मेरे नोटिफिकेशन पैनल में तो आ गया, तो मैंने रीड कर लिया, लेकिन कमेंट डिलीट हो चुका था तो मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया जो मैं आपको दिखाता। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये बात सही है, क्योंकि मुझे वर्क असिस्टेंट के बारे में मैंने अपडेट कोई ली नहीं है और मुझे काफ़ी दिनों से इसकी कोई अपडेट मिली नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अभी UDC की तरफ ध्यान दे रहा था। तो वर्क असिस्टेंट को लेकर ये बात सही है नहीं है, अपनी राय आप लोग रखें वर्क असिस्टेंट वाले बच्चे। आगे बात करते हैं हम सिक्योरिटी गार्ड को लेकर। देखिए एक स्टूडेंट है, उसने ये कमेंट किया था, स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। मैं अपनी बात, जो बात सही है वो मैं बताता हूँ। उसमें मैंने जो रीज़न बताया वर्क असिस्टेंट में, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों नहीं दिखा पाया। यहाँ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, प्रोवाइड कराया है। बच्चे ने यहाँ पर बताया है कि UDC की तरह, बार्क UDC की तरह यहाँ पर भी मेल आ रहे हैं, बच्चों को मेल सेंड किए जा रहे हैं। तो अब आप लोग जो भी सिक्योरिटी गार्ड वाले बच्चे हैं वो सब बताएं कमेंट करके कि किस किस के पास मेल आया हुआ है, और जो मेल आया है या नहीं आया है तो आप लोग वेरीफाई कराएं कमेंट में। अगर किसी के पास मेल आया भी है तो मुझे टेलीग्राम पर बताएं, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको टेलीग्राम के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं हम UDC के बारे में। देखिए UDC वाले बच्चे, आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और कमेंट आ रही हैं कि क्या जिन बच्चों के पास मेल आए हुए हैं वही लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दी गई है, ऐसा नहीं बोला गया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप होप रखिए, मेल अगर नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आप बाहर हो चुके हैं रेस से, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है और 6 फरवरी के आसपास आपको ऑफिशियल नोटिस मिलना है, और बाग से यही अपडेट मिली भी है कि ऑफिशियल नोटिस सर भी आएगा, उसमें आपको सारे रीज़न और सब कुछ क्लियर किया जाएगा। आज अपडेट लेने की कोशिश की थी लेकिन अपडेट नहीं ले पाया किसी वजह से, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही पता लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिनको मेल आ रहे हैं वही सेलेक्टेड हैं। ऑफिशियल नोटिस तैयार किया जा रहा है, उसमें सारी डिटेल लिखी जाएगी, उसमें सब कुछ बताया जाएगा क्या रीज़न है, क्या क्या होगा, तो परेशान ना हो। तो जिन लोगों को भी वर्क असिस्टेंट वाली बात अगर सही है मेल आने की, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिन भी इन बच्चों को भी मेल आए हैं, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ आप अपनी बात लिख सकते हैं। किसी भी वीडियो में वहाँ पर राइट का ऑप्शन ओपन है, तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने मेल का, बता सकते हैं। बाकी कोई भी किसी भी तरीके की अपडेट मिलेगी वो आपको बता दी जाएगी सबसे पहले। तो चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, फैमिली का ध्यान रखें। बाय।